हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। IRT का एग्ज़ाम भी होगा, रिजल्ट भी आ गया, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड हैं, रैंक भी अच्छा है रियल कॉन्सेप्ट की तरफ से, उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका रैंक बहुत ज़्यादा, वो भी वेट करें काउंसलिंग लेटर का, आएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो भी बच्चे 2024 की तैयारी करना चाहते हैं IRT 2024 के लिए, तो रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे, आपको सारी क्लासेज वहाँ से मिल जाएंगी। वन टाइम पेमेंट 999 का करो और पूरी IRT की तैयारी करो। पिछले बार से कई गुना ज़्यादा लेवल इस बार हम बढ़ाने वाले हैं, फीचर बढ़ाने वाले हैं, सब चीज़ बढ़ने वाला है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लो, और जो लोग पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, IRT का पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी पढ़ाई आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। IRT बेस्ट ब्रांच को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर IRT का बेस्ट ब्रांच क्या हो सकता है, कौन सबसे बेस्ट ब्रांच है, ज़रा उसके बारे में नज़र डालो, ठीक है। तो और कट ऑफ के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आप जा करके देख सकते हैं IRT कट ऑफ के बारे में, ठीक है। IRT कट ऑफ के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि IRT में टोटल ब्रांच कितने हैं। पहला जो ब्रांच है बेटा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसके 75 सीट्स हैं। कितने सीट्स हैं? 75 सीट हैं। दूसरा भाई सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के कितने सीट हैं बाबू? 300 ब्रांच है, 75 सीट है, तो कितना हो गया बेटा ये? 225। तीसरा बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है, 600 ब्रांच है और 75 सीट सब में है, तो टोटल सीट कितना हो गया? 625 है ना, 642, 450 सीट। यानी क्या देखा आपने? सिविल में 225 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 75 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 450 सीट है, चौथा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बेटा आपका 75 सीट है, कितना सीट है? 75 सीट है। पांचवा है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में कितना है बाबू? 75 सीट है। और आपका छठा है प्लास्टिक, प्लास्टिक का ब्रांच, इसमें भी आपका 75 सीट है। टोटल सीट देखोगे आप तो 975 सीट है, टोटल टोटल सीट्स 975 हैं, ठीक है। और टोटल ब्रांच कितने हैं बाबू? ब्रांच कितने हैं बाबू? 13 ब्रांच हैं। बेस्ट ब्रांच बताऊंगा, टेंशन मतलब, पर डिटेल में जान लो जरा सा, 1, 3 और ये कितना है? 6, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 6, 9, 3, 12, 1, 13, 13 ब्रांच हो गए, देख लिया आपने, 975 सीट हो गया, हर एक ब्रांच में 75 सीट है। अब बेस्ट ब्रांच कौन होगा? देखो बाबू, बेस्ट ब्रांच की बात करें तो चाहे पॉलीटेक्निक हो चाहे IRT हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, ये तीन ऐसे ब्रांच हैं जो एवरग्रीन है, एवरग्रीन ब्रांच है बेटा, एवरग्रीन यानी कि हमेशा इसका स्कोप रहा है और स्कोप रहेगा, ठीक है, हमेशा इसका स्कोप रहा है और हमेशा स्कोप रहेगा। हालांकि IRT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबको नहीं मिलता, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ 75 सीट हैं, और 75 सीट होने के नाते जिसका रैंक अंडर 100 लगभग लगभग 100-150 के आसपास रहता है, उसी को इलेक्ट्रिकल मिल पाता है और लोगों को नहीं मिल पाता। इसलिए कहा जाता है कि सबसे बेस्ट ब्रांच इलेक्ट्रिकल है IRT के लिए, क्योंकि सीट कम है भाई, जो चीज़ कम होता है ना बहुत अच्छा लगता है। घर में कभी अगर खाना बन रहा हो, ठीक है, पनीर बनाओ और थोड़ा सा कम पड़ जाए, पता चला अच्छा कम बना है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ रहे हो? वही हाल इसका, ऐसा नहीं इलेक्ट्रिकल खराब, इलेक्ट्रिकल बेस्ट ब्रांच है, ऐसा कोई डाउट नहीं है, लेकिन कम सीट है तो लगता है कि सबसे बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैकेनिकल भी बेस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग भी बेस्ट है आपका, ठीक है। तो ये तीनों क्या है बाबू? ये सिविल में भी 300 ब्रांच है, मैकेनिकल में भी 3-6 स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है, ऐसा समझ में? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अगर आपको नहीं मिलते, इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पर ठीक ठाक ही ब्रांच, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे बच्चे प्लास्टिक भी लेते हैं, बहुत सारे प्लास्टिक, लेकिन हालांकि इसे गवर्नमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब इनके अपेक्षा बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे लेते हैं, ठीक है। सब ब्रांच अपने आप में अच्छा होता है, लेकिन जो ये ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ना, ये अपने आप में एवरग्रीन ब्रांच है, हमेशा के लिए है, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पहली बार आ रहे हैं तो। और 24 की तैयारी करना चाहते हैं IRT के लिए, तो रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग अब डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो कोर्स।
और मजे में सिलेक्शन लो। थैंक यू सो मच।